क्लैश के बारे में जो चिंता थी, ये तीनों यूनिवर्सिटी ने उस पर काम किया है और आपकी इस चिंता को रिमूव किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहले से ही ये काम किया कर रखा है। उसका ये रूल है कि आपको विद इन 10 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, आपने एप्लीकेशन देनी होती है पर्सनली जाके कंट्रोलर, मैंने एक वीडियो डाला है कंट्रोलर एग्जामिनर किस रूम में जाना है वो उस वीडियो में बताया है, वहाँ एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन पहुँचने के बाद वो आपके एक टेस्ट को, एक एग्ज़ाम को नेक्स्ट मंथ में, 2 मंथ में कंडक्ट करती है। ये उसी के रिगार्डिंग प्रेस रिलीज है, चंडीगढ़ अप्रैल 29th का है। ये बता रहा हूँ कि अगर क्लैश है तो ये यूनिवर्सिटी ने सोचा है आपकी टेंशन कम हो जाए। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट पर्टिकुलर एंड पब्लिक इन जनरल दैट द पेपर लेफ्ट बाय द कैंडिडेट ड्यू टू नंबर एक क्लैश, जिनका फॉर एग्जांपल बीएड एडिशनल का है, बीए एडिशनल का है, जहाँ दूसरा है या बीएड एडिशनल का है और कोई रीअपियर का है, जहाँ रेगुलर का है, वो एक डेट और टाइम पर आ गए हैं। वो स्पोर्ट्स रीज़न है, एनसीसी एनएसएस इनमें आपने पार्टिसिपेट किया है और उसी दिन आपका पेपर है, बी हेल्ड इन मई 2024 ऑफ इवन सेमेस्टर ऑन द सेम डेट टाइम विल बी, डेट एंड टाइम सेम होना चाहिए, विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त में आपके कंडक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वाई आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दिस प्रोविज़न विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड देयर एप्लीकेशन विद इन 10 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन। सो जब आपको डेट शीट पता चलती है, क्लैश पता चलता है, विद इन 10 डेज आप उसको एप्लीकेशन को जमा कराएं। एक एप्लीकेशन भी जाती है तो वो होता है, पर आप अपनी चिंता के लिए, आपको नहीं पता कि वो एप्लीकेशन जमा हुई है या नहीं हुई है। अगर क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ़ोन मैं करता हूं तो काफ़ी बार करना पड़ता है, बिज़ी होते हैं, तो अगर जानकारी मुझे कोई मिलती है, आपने ऐसी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जहाँ फ़ोन पर 8427458843 पर पूछ सकते हैं, उसी वक्त मैं इंक्वायरी पर पूछ के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे ही आप तक पहुंचा देता हूं। और अपना क्वेश्चन क्लियर रखिए, जब भी पूछना है यूनिवर्सिटी की बात ज़रूर करें। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।